तो दोस्तों मैं हूं प्रभात, मैं आज आपको वेलकम कर रहा हूं टेक रिफाइंड के चैनल में। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं न्यू ओप्पो रेनो 8T का 1 मंथ का रिव्यू। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है ये फ़ोन, क्या क्या इस पर हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा नहीं लगा, तो सब चीज़ आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 30,000 का फ़ोन है और इस पर जो पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल मिलता है बहुत ही प्रीमियम लगता है फ़ोन। 3D कर्व का बैक है, 3D कर्व का डिस्प्ले भी मिल जाता है, कर्व स्क्रीन का 120 हर्ट्ज में आता है ये फ़ोन और इस पर ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। 1 बिलियन का कलर है इस पर, HDR10 भी सपोर्ट करता है। ओवरऑल बात बोलने के लिए ये बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा आपको फ़ोन यूज़ करने में और इन हैंड फील बहुत ही अच्छा है इस फ़ोन का। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका कैमरा, 3 कैमरास मिल जाता है इस पर, जो कि एक फास्ट प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का और दूसरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और तीसरा मिल जाता है माइक्रोस्कोपिक कैमरा 2 मेगापिक्सल का। और इस प्राइस सेगमेंट में और कोई भी, मैं बहुत सारा फ़ोन यूज़ किया हूँ और पता भी है, लेकिन कोई भी माइक्रोस्कोपिक कैमरा इतना फ़ोन में प्रोवाइड नहीं करते जो कि ये प्रोवाइड करता है। और जैसे कि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को फोटोग्राफी का शौक़ है, तो इस पर आप बहुत अच्छे से फ़ोटो निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको फ़ोटो क्लिक किया हूँ, कुछ आपके साथ मैं स्क्रीन पे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आप ये देख लीजिए। आपको स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर मिलता है जो कि बेस्ड है 6 नैनोमीटर में और इस पर रैम आपको मिल जाता है 8GB का रैम और 8GB आप एक्सपेंड कर सकते हो जो कि DDR4 में आता है। जो कि आपको मैं बोलना चाहता हूँ इसका बैटरी पार्ट जो कि बहुत हाईलाइटेड पार्ट है, क्योंकि इस पर ये फ़ोन स्लिम होने के बावजूद आपको 4800mAh का बैटरी मिलता है। ये बहुत स्लिम हैंडी फ़ोन उसके बावजूद भी इसको बनाते हैं। उसके बाद भी आपको इनबॉक्स आपको 80W का चार्जर मिल जाता है जो कि बहुत फास्ट होता है और इस पर 67W का चार्जिंग कैपेबिलिटी है, तो आपको फ़ोन लगभग 0 to 100 30 मिनट के अंदर हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। 30,000 में फ़ोन बहुत ही अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगा फ़ोन ख़राब है, लेकिन बहुत अच्छा फ़ोन है। लेकिन दो चीज़ें मेरे को मैं बोलना चाहता हूँ जो कि और बेटर हो सकता था। पहली बात तो ये है कि इस पे जो कैमरा है, कैमरा बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, कैमरा में आपको जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस पे एटलीस्ट एक सोनी IMX का सेंसर होना चाहिए था, एटलीस्ट सोनी IMX का 615 और कुछ भी सोनी IMX में सेंसर होना चाहिए था जो कि और भी बहुत बेहतरीन पिक्चर निकाल के देता। और दूसरी बात तो बहुत सारे फ़ोन में 30,000 में सब में एटलीस्ट सब फ़ोन में वाइड एंगल आता है, लेकिन इस पर वाइड एंगल का कैमरा नहीं है, जो कि मेरे को मैं सोच रहा था कि ये वाइड एंगल अगर ऐड कर देते तो बहुत ही अच्छा होता ये फ़ोन। और एक बात है जो इस फ़ोन में आपको 4K सपोर्ट नहीं मिलता। क्यों 4K सपोर्ट नहीं मिलता मैं आपको दूसरी पॉइंट में बता रहा हूँ अभी, क्योंकि इस पे जो मिलता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 695 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि प्रोसेसर और भी अच्छा हो सकता था इस प्राइस सेगमेंट में। प्रोसेसर एटलीस्ट हमको स्नैपड्रैगन 778G मिल सकता था और डायमेंसिटी का प्रोसेसर हमको मिल सकता था, 1080 का प्रोसेसर मिल सकता था जो कि 4K सपोर्ट करता है और इस प्राइस सेगमेंट में हमको मिल भी सकता था, लेकिन इस पे प्रोसेसर कम होने की वजह से हमको 4K का सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि ठीक है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ये मिल सकता था।